Hello friends, I am Chinchal and today we discuss job design. Job design होता क्या है, हम use क्यों करते हैं job design को? अच्छा, आपको अगर कहा जाए आपको एक ही काम रोज़ करता है तो आप बोर नहीं हो जाओगे? लाइक आपको कहा जाए कि हाँ, खाने का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बेस्ट, आपको कहा जाए कि ये रोटी है और ये सब्जी है, मतलब एक रोटी और आलू की सब्जी लगा लेते हैं, वो आपको रोज़ दी जाए 15 डेज तक, 20 डेज तक, 25 डेज तक, 30 डेज तक, और आपको कुछ ना दिया जाए, बस आपको यही दिया जाए आलू की सब्जी और रोटी, देन यू गेटिंग बोर। थक नहीं जाओगे? थक जाएंगे ना एक ही चीज़ को रूटीनली सेम सेम करते करते, हमारा माइंड बोर हो जाएगा, हम बोर हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे हमें कुछ और खाने को दो, हमें ये नहीं खाना। तो उसी चीज़ को हम अब कंपनी में अप्लाई करते हैं। जॉब डिज़ाइन जब हम करते हैं, जॉब है हमारी, एक पर्टिकुलर काम है, पर्टिकुलर टास्क है, उसको डिज़ाइन करना, उसकी उसको ये देखना उसका कंटेंट क्या होगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसे एक्चुअली काम में क्या करना है। अगर आपको रोज़ एक ही काम दिया जाए, चलो 1 महीने तक आप वो कर लोगे, नया नया 2 महीने तक कर लोगे, 3 महीने तक कर लोगे, फिर चौथे महीने ये नहीं होगा यार बहुत बोरिंग काम है, कुछ और दो हमें, कुछ नया होना चाहिए, कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी, जॉब डिज़ाइन करती है, आपके काम को डिज़ाइन करती है। इससे इसमें क्या करते हैं, जॉब डिज़ाइन इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका जो ये टास्क है, ये काम ये है, ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी नीड को देखना इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को देखना, इन दोनों को देख के एक जॉब को डिज़ाइन करना, एक काम को डिज़ाइन करना। ओके, इसमें क्या किया हमने, नीड क्या क्या हो सकती है एक पर्टिकुलर पर्सन की, उस वो सेटिस्फाई हो, उसका इंटरेस्ट एरिया उस चीज़ में, चैलेंजेस हो, अचीवमेंट्स हो, खुशी मिले उसको उस काम को करने में, तो इससे क्या होगा क्वालिटी, उससे क्या होगा उसको काम करने में मज़ा आएगा, वो उस काम को और करना चाहेगा। अगर आप किसी चीज़ में लाइक मेरा जैसे इंटरेस्ट एरिया है टीचिंग, अगर मुझे कहा जाए कि हाँ आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, रियल स्टूडेंट्स हो, तो मज़ा आता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है, काम करने करना अच्छा लगता है, अगर वो भी इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो ये क्या हुआ हमारा इंटरेस्ट एरिया मैच हुआ, उससे क्या हुआ मेरा जो काम था वो इंटरेस्टिंग हो गया अपने आप में। एक चैलेंजेस, अगर मुझे कोई डफर सा स्टूडेंट दे दिया जाए तो मेरे लिए एक चैलेंज है कि उसको मैं कैसे इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। तो ये क्या है, जॉब डिज़ाइनिंग का पार्ट है। जॉब डिज़ाइन हमारे लिए एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इससे क्या होता है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ इंसान की, मतलब मेरी जो है उस मेरी वर्किंग लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज होगी। लाइक गर्ल्स के लिए काफ़ी स्कीम्स निकालती है, लाइक अगर आप मैरिड हो देन आपके लिए एक अलग से क्रश बनाया जाता है, आप अपने बेबी को वहाँ छोड़ सकते हो इफ़ यू आर हैविंग अ बेबी, या फिर आपके लिए एनी टाइम फ्लेक्सी टाइम कर दिया जाता है, मतलब कि आपको 8 घंटे काम करना है, चाहे दिन में करो, रात में करो, शाम को करो, कभी करो। तो इससे क्या होता है, ये भी एक जॉब डिज़ाइन का पार्ट हुआ कि आपने जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से किया है कि आप फ्लेक्सी वर्क को अलाउ कर सकते हो। तो इसके कुछ मेथड्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, ओनली 3 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज़ जॉब रोटेशन, रोटेट करना, मतलब आज आपको एक टास्क दे दिया गया, कल आपको दूसरा टास्क दे दिया, तीसरे दिन कुछ और टास्क दे दिया, मतलब 1 महीना आपको कोई और काम दिया, दूसरे महीना आपको अलग काम दे दिया गया। सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्लर्क है, उसको सबसे पहले दे दिया हमने कैश काउंटर, फिर उसको दे दिया टोकन काउंटर, फिर उसको दे दिया टेलर काउंटर, इस तरीके से हमने क्या किया उसको रोटेट करते गए उसके काम को। 1.5 महीना उसने एक काम किया, फिर उसने दूसरा किया, फिर उसने तीसरा किया। इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो बंदा कभी बोर नहीं होगा, उसको अकेलापन नहीं लगेगा, मोनोटोनी पता होगा, मोनोटोनी मतलब कि एक ही काम से पक जाना पूरी तरह से, ये कहना कि बस अब बोर नहीं होता, मोनोटोनी नहीं होगा वो कभी भी उस सिंगल काम से। उसको वैरायटी ऑफ वर्क मिलेगी सेम जगह पे, और उसके जो पीयर्स हैं, मतलब उसके साथ काम करने वाले हैं, उसके नीचे काम करने वाले हैं, वो बंदे भी चेंज होते रहेंगे, तो अच्छा लगेगा उसको। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, उसको स्किल जो है वो मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन वो किसी भी एक स्किल में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपको 1 महीना, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हाउस का एग्जांपल लेते हैं, आपको 1 महीना रोटी बनाई गई, रोटी बनाने को दे दिया गया, फिर आपको कहते हैं कि आपको रोटी बनानी नहीं है, आपको सब्जी बनानी है,
एक महीना आपको सब्जी में ट्रेन किया गया, नेक्स्ट मंथ हमने आपको पराठे में ट्रेन कर दिया, तो ये क्या आपको वैरायटी ऑफ वर्क मिला? लेकिन आप रोटी जो बनाने में, अगर आप 3 महीने बाद फिर से सेम रोटी बनाओगे तो आप उस काम को उस परफेक्शन से नहीं कर पाओगे जो आपने कंटिन्यू 1 महीने तक किया। तो जॉब रोटेशन से वो रेंडम नहीं होता, लेकिन हम एक पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन पाते, उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन पाते। नाउ नेक्स्ट वन इज जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट मतलब जॉब को बड़ा कर देना, मतलब कि आज हमें एक फाइल देखनी है, कल हमें दो फाइल देखनी है, परसों हमें तीन फाइल देखनी है। जॉब इनलार्जमेंट, जॉब को हमने बड़ा कर दिया, हॉरिजॉन्टली मतलब सेम लेवल पर एक्सपेंशन कर दिया, हमको सिमिलर नेचर का, सेम नेचर के और टास्क दे दिए गए, मोर टास्क ऑफ सिमिलर नेचर। जिससे क्या होता है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि हम उस काम में एक परफेक्ट बन जाए। मोनोटोमी तो हमें हमारी ख़त्म हो जाएगी, हमारा बोरेंडम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें काम बढ़ा दिया गया है, उसी के सेम नेचर का, उसी जैसा ही काम दे दिया गया। तो इसका इससे क्या होगा, हमारी लेंथ तो बढ़ जाएगी, ऑपरेटिंग साइकिल तो बढ़ जाएगी, साथ में हम बोर भी कम होंगे, और हमें कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम सेम लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। और वहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनरिचमेंट। इनरिचमेंट में क्या होता है, हमारा जो लेवल है हम उसे ऊपर लेवल वाले को, मतलब कि वर्टिकल लोडिंग हमें मिलती है। इससे क्या होता है, क्वालिटी बढ़ती है जॉब की, मतलब आपके अंदर नई नई चीज़ें सीखने का जज्बा आता है, आप कुछ नया सीखते हो, आपको मज़ा आता है काम करने में, कुछ नया करने में, बिकॉज़ वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती है। हम वर्टिकली मतलब लाइक मैं अब मैनेजर हूँ तो मुझे सीनियर मैनेजर का भी काम दिया जाता है, तो इससे क्या हो, जॉब इनरिचमेंट मतलब जॉब हमारी बड़ी है, एक्वायर करते हैं हम हाई लेवल स्किल को भी, हमें हाई लेवल स्किल भी मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ हमने ऊपर का काम भी किया है। हमें हमारा जो है, हमें डायरेक्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लोगों की ज़रूरत कम होती है, बिकॉज़ हम खुद उन चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, इनरिचमेंट कर रहे हैं। इनलार्जमेंट में तो हम सेम एरिया को बढ़ा रहे हैं, इनरिचमेंट में हम यूं वर्टिकली बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।